सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं धारा देसी पत्रकार करमू और भाई जुड़ गए हैं जींद का उपचुनाव, यानी कि जींद का जो वर्ल्ड कप चल रहा है राजनीति का, दिलचस्पी कसुत्ती बन रही है, गहमा गहमी कसुत्ती हो रही है, जने जने के पसीने आ रहे हैं। उपचुनाव बहुत मतलब पहली बार हुआ है 1979 के बाद, यदि बात करें 1979 में आया था एक उपचुनाव और उसके बाद ईव उपचुनाव हो रहा है, कसुत्ता उपचुनाव है, सबका पसीने आ रहे हैं, रिश्तेदारी की रिश्तेदारी और उनकी रिश्तेदारी, सारी जींद बांट पड़ी है, सारी आर किस बांट पड़ी है। भाजपा के युवा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव हमारे मौजूद है, हरियाणी में अंदाज में बात करेंगे इनते चुकर के सूत है जो युवा है जी, नौजवान है मनीष यादव जी, क्या कहना चाहोगे नौजवान के भीतर के चल रहे हैं? हरियाणा का नौजवान, जींद का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जींद के नौजवान ने इससे पहले 2014 में वोट किया लोकसभा और विधानसभा के लिए और एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और आज भी जिस प्रकार से जींद का रण है, आज यहां का युवा राष्ट्रवाद को तय करेगा, परिवारवाद को नहीं, इसलिए जींद का युवा विकास चाहता है और विकास करने की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो जींद का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी पार्टी वाले नू कह रहे हैं जी, ये जो विकास है, यू विकास है, टोवा तो हाँ पंदा गोनी, क्या कहना चाहोगे? भारत के इतिहास में 67 सालों के राज में भारतीय जनता पार्टी के इन 4.5 साल 4.5 साल के जो राज में जो विकास हुआ है, ये केवल हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो मापदंड है वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि भारत ने पिछले 4.5 साल में जितनी तरक्की की, भारत की आजादी से लेकर अब तक का ये इतिहास है। नुका आ रहे जी, कोई भी इलेक्शन हो जाए उसको मोड़ना होनी तो नौजवानों की ताकत का फर्क हो रहा है, आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष, नौजवानों का रुख तोड़ है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि ये युवाओं का जो जनसालाब है, आज ये जींद का युवा इस बात को साबित करने के लिए आया और मोहर लगाने के लिए आया है कि आने वाले 28 का जो रन है वो भारतीय जनता पार्टी ना केवल जीतेगी बल्कि भारी बहुमत से युवाओं के आधार पर दम पर जीतेगी। मारे कहावत है जी, बोले माल खाओ नंदा का वोट दो गंजा का, कई बार नूबी सिस्टम बैठ जाए, कोई कहते हैं मन किते है, तन किते है, बाहर कुछ है भीतर कुछ है, ऐसा सिस्टम हो जाए। यहाँ जो खड़ा है उसका तन भी मन भी और जितना उसका सामर्थ्य उसका धन भी इस जींद के लिए समर्पित है और ये युवा इस बात को साबित करने के लिए आया है कि वो हमारे कैंडिडेट मिड्डा जी के साथ है और उनको ना केवल जिताने का काम बल्कि ऐतिहासिक जिताने का काम, ये जो रण आपको दिख रहा है जिस प्रकार का ये चुनाव है, ये जींद नहीं बल्कि पूरे देश में इतिहास रचने जा रहा है और जींद में जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। टक्कर किसके लिए जी? टक्कर हमारी किसी से नहीं, सबकी हमारे से टक्कर है। तो लठ गाड़ दो, लठ तो गाड़ दिया, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष यादव, इन्होंने कह दिया है खुल कह भाई लठ गाड़ दिया तसल्ली का, और यू लठ किसा गाड़ दिया, 28 तारीख ने वोटिंग होंगी, 31 ने नतीजे आऊंगे, सारा पेरा पड़ जाएगा, ये लठ गड़ा किसा है और यू लठ ईसा गट गया, जमाई नहीं किसे पट है, जीत का लठ है किसा लठ है, देखना पड़ेगा भाई, गहमा गहमी बने रहे, कसू दिलचस्पी हो रही है। तमाम जानकारी के लिए बने रहो तमाम संसार क्रांति के लिए, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू, धन्यवाद।